और अब इंतजार है पीवी सिंधु के भारत लौटने का, लेकिन उससे पहले भारत की एक और बेटी ओलंपिक में शानदार खेल दिखाकर लौट आई हैं। हम बात कर रहे हैं दीपा कदमाकर की। आज उनका एयरपोर्ट में भव्य स्वागत किया गया। भारत लौटने के बाद उन्होंने आज तक से खास बातचीत में कहा कि अगले ओलंपिक में मेडल पक्का है। दीपा, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। मेडल से थोड़ा सा चूकी, बट जो आपने अचीव किया उसने उसको हर किसी ने देखा और अपलोड किया। ज्यादा दुख है या बहुत ज्यादा खुशी है? नहीं, ज्यादा खुशी भी नहीं है, ज्यादा दुख भी नहीं है। बीच में हाँ, पहली बार गई, फाइनल पहुंची, फोर्थ प्लेस, वो भी अच्छी है। हाँ, पर नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगी तो पूरा कोशिश रहेगा, पूरा मेडल पोडियम पे पहुंचू, अपने झंडा ऊपर उठे, पूरा कोशिश रहेगा। और दीपा, ये बताइए कि जो वो मोमेंट कैसा था जब आपने अपना प्रोटोनोवा वर्ल्ड जब लिया था, उसके बाद आप देख रही थी, हम देख रहे थे, जजेस भी रिव्यू कर रहे थे, आप भी बहुत दिल थाम के सुन रही थी, देख रही थी कि क्या हो रहा है, वो मोमेंट आपको क्या लगा था? आपको लगा था कि आपने कुछ क्लिंच कर लिया है, मेडल आपके हाथ में है? ठीक है, हाँ, मेरा जब परफॉर्मेंस हुआ, उस जो मार्क्स आया पहला वर्ल्ड और सेकंड, मैं खुश थी उस वर्ल्ड में। पर जब मुझे पता चला रूम में जाके कि हाँ तुम मेडल के इतना पास थे, मैं रूम में जाके देखा कितना पॉइंट का डिफरेंस था, 0.15, तो मैं और सर बहुत रोया, क्योंकि इतना ज़्यादा थोड़ा से पॉइंट्स के लिए गया, शायद मैं एक स्टेप कहीं पर रोक देती, कुछ हो जाता तो शायद आज मैं इस पोडियम पर खड़ी हो जाती। पर देखिए, जो होते हैं अच्छे के लिए होते हैं, मैं सोचती हूँ। पर मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ मेरे कोच को, नंदी सर को, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री, हमारी फेडरेशन, जिमनास्टिक्स फेडरेशन और गो स्पोर्ट्स, बहुत थैंक यू, क्योंकि उनका बहुत सपोर्ट था। आप इंडिया आई हैं, एक बहुत खुशी की खबर भी है आपके लिए कि आपको राजीव गांधी खेल रत्न से और आपके कोच बीएस नंदी को, जो आपके साथ इतने सालों से है, उनको द्रोणाचार्य अवार्ड, आपके लिए इट्स जस्ट लाइक अ डबल डिलाइट फॉर यू। हाँ, खुशी तो है, इतना बड़ा अवार्ड है, पर हाँ, मैं मेडल के साथ ये अवार्ड लेती तो मैं ज्यादा खुश होती। अभी आपका अगला टारगेट क्या है, गोल क्या है और यहाँ से कैसे देखती हैं? बस अगला टारगेट ये है, 2018 कॉमनवेल्थ एशियन और 2020 टोक्यो।